ले तेरा गड्ढा ले आऊं वायरल बुखार चल क्या का गड्ढा से यो क्या गड्ढा बताऊं ना वायरल बुखार चल रहा है और यो देश का चढ़ रहा है मां जब तेरे की मुंह के तो मैं क्या लगूंगा ये अरे बेटा के मैं तेरे के लिए इतनी लड़ू तो भी मैं तना अच्छी लगूं मां नू का लड़ाई किसके घर में कोनी फिर के नू मां ने तोड़ी के बका दे किसन गलत कर गई मां तो मां ही होगा ठीक कही भाई अपना तो अपना ही होगा और मैं देख ले भीतर तो बिली कड़ी हो कोई बात कर मां पी ले तू मनो चिंता तो रही किसन सही कही है घर बारी ने सारी चिंता होगा ठीक से मैं कर ले रहा हूं मैं केगन में जानी देख रहा है आ गया तू और नंबर की तो जा रहा था ये कड़ा की तेरी मां अरे ये सेल तो ना मारा रे मार रहा के सेल जा इसी बावड़ी बात तो ना करे मेरी बात सुन अरे डाल ले तू यार तो नू क्यों बगा बगा मारा है नू बता मां तर कमर जाएगी मंटू तो तेरे दौर खाने होंगे ये बड़ी दीगी तो नहीं आ पाते लोग दिखाओ तो माँ ने माते को नहीं तेरती एक दी गई है माँ तो मेरी की मेरे को बोली और तेन बोलेगी मैं क्या कला कुमार है मेरी बात सुन चैनी मन चिंता ना हो मैं मूड भी को नहीं आऊँ अभी वायरल बुखार चल रहा है अब देख गड्ढा बना के लिया हूँ तेरे खाते क्या का गड्ढा है यार मैं दोबारा फिर को आओ है वायरल बुखार चल रहा है इसकी तुर बुखार को चढ़ा दिया किसने तेरते अरे चैनी ते मेरा बुढ़ापा आ सारा है माँ तो कमर जाएगी नू बता मैं गलत चीज दूंगा मेरी फूल दिली पीले मान जा कोई दिक्कत कोई पीले पीले क्यों गया कड़वा है तो अरे पीले है क्या बात होगी ना बस पी लिया बस पी लिया बस तो कर अड्डा में लगी पीले मैं तेरे खतर गलत कौन चीज दूं पीले अरे पी लिया रे क्यों बोल रहा है मतरा पति हूं रे अब मैं कसम नु बोल रहा है क्या हूं बोल रहा कि मोर बोल रहा है ले ये भंतर बीमारी को नहीं आओगी अतः बीमार नहीं होगी तो मैं ठीक रहूंगा समझ गई ठीक सर आराम कर ले तने की मैं चीज की जरूरत मत बता अगर तू तने तो चर्म लड़ू लड़ता को नहीं आज ये आराम क्यों कर बरस रहा है नु तो दुखी होड़ा मानस की तो बोल लेगा है चल कोई नहीं ठीक है मैं आराम करूं आए हे मेरा बराबर क्यों लौट गई तू कि मैं काम कर लेना उठ के ना हां काम कर लूं मार गिरी तने मैं थन्ना मारी मैं कलेस करके ना गुटिंग मेरे भी मेरा सिर पर चढ़ा दिया खड़ा माथाली तने कैसा छोड़ दी सब तो मैंने करा है और तेरा पड़े को नहीं वो बीच में आ गया वो छोड़ा पड़ोसियों का क्या है कैसे रह रही है करवा दे पूरी ए मेरी को नहीं मत माथा मार जा छोरा कर जा माय हां यो गया अरे मेरा तो की में हो गया वो हो गया आइया क्यों छोरा मेरा बराबर है यो गया और तो ठीक के तो और ये दोनों मेरा कोई देव रहा दोनों फट पकड़े ही थे अच्छा हां चलो मैं आऊं देखूंगा ले साइड दी जो ताला मेरा एक नुपली सांसी हो रही है ठीक से ले आऊं थोड़ी देर ये टसका भाई से लगा हो रे ये मेरा के रे तो आज पड़ रही भाई बुढ़े आ रहे हो रे अरे बेटा बहू के दाल दे पैर क्या उठे हां फोन क्या हो गया मेरा भाई जी देखो ना के रे तो नो भगवान जाने नो ना यापड़ी नो ना यापड़ी हां हां तो ये क्या हो यार ये भाई सारा सिर घूमा उल्टी पड़न हो रही है दिखाई हो वहां में इसका हाथ पकड़ा तो मेरा छोड़ दे भाई इसे तो देख के हम बेकार में टेंशन ले रहे हो तारी जिंदगी तो सारी हफ्ते की रह रही है हैं हां ओके बोलो हम तो एक जीवनी बस ये रुक इस तरह फिर भी खुंदा कर लाई आपस में उसका पकड़ उसका छोड़ मैं क्या बताऊंगा प्रसाद भाई मन ठा ले राम की।
ले माँ चाय पी ले। लेटी चाय के बावे से पी ले, तड़के का कुछ ना पी रखे आपने। कौन ही बावे चाचू जी के मुंगर बेटी दो दिन की जिंदगी डरी है, लिया तेरी चाबी भी मना कि मैं गुस्से में तेरे तक कि मैं कह दिया मना माफ कर दिए। अरे अपना करियर खाइए हैं ममता भिखारी तो खाली न रण दीवा नागत है, इसे भी ध्यानी का आदर मान रखिए ठीक है। कोई मेहमान आ जाए उसकी सेवा करिए बेटी, हमने तुम्हारे बड़े बुजुर्ग यही शिक्षा दे गए थे। अरे मेरी जिंदगी तेरे अलावा आराम थारी जोड़ी में रख है, खूब सुख तो बसो। नहीं माँ तू इसी बात क्यों कर रहा है, मेरे कौन से इतने दिन रह रहे हैं, दो ही दिन मेरे रह रहे हैं। ना बेटी तू सुख तो जी, इन चाबियां का मैं क्या करूंगी माँ, ये तो अपने पास ही रखो। ए मन ना बतेरी दिन रख ली तू, रख बेटी। अरे माँ मैंने माफ कर दियो, मैंने आपके साथ लड़ाई करने खातिर के को नहीं कर रहा, मैंने झूठ बोली, मैं आपके स्यामी बोली, मैंने माफ कर दिए माँ। बेटी गलती तो मेरी भी थी, मैं लोगों की शिकायत में तेरे गल लड़ी सारी बड़ास काट लें दी हैं, ये वेख ली बैठी रही है बेबे सासू न्यू का आग्रह कह रला बड़े और सासू सुधी लड़े। बेटी मेरी जितनी जिंदगी थी मैं तेरे गल लड़ली गुड़ली न याद करे जाइए, हर बेबे रोए जाइए। जिंदगी तो मेरी भी इतनी बच रही है माँ, पर तू नो ना कर कोई ना, ये दो दिन भी जीवांगे ना तो मिलजुल के जीवांगे, तू टेंशन ना ले। हे मन मेरा से मैं पहले मर जाएंगी देर तक, चिंता ना कर तो बसिए मैं देखूं। अरे मेरी जिंदगी जितनी बच रही सारी तेरे लिए ठीक है, दूध ना पुत्र फलो। माँ वही ये ज्ञान ठीक है, ज्ञान तो बेटा तो नहीं मेरा है भाई, ठीक सही है मैं ठीक के हूँ भाई। ये बात हिम्मत को नहीं हो रही, ये तो हिम्मत भाई ऊपर जागे होगी। माँ तो एक दो दिन और रह से तुम्हें न कब बता। ए माँ ठीक तो सुन माँ की भाई से मैंने मारी है बताइए बच्ची। ये ठीक सको है आठ को नहीं, सबका हफ्ता है वो है के बरा कौन सा हफ्ता में मानस ने भगवान फैले सुख शांति बनाई रखनी चाहिए घर में। बात तो तू ठीक है कहवा भाई, के बरा किसका कद टेम आ जा। माँ यो तो नाटक था जो पब्लिक देखा है ना, इन दिदी खान का तर नुका है ना सास बहू की लड़ाई है, इसका कोई इलाज को नहीं, यो एक इलाज हो जाता जड़ी बूटी कि तेरे समझ में आ गई। इसका मतलब मारे किम में ना होना। अच्छा रे को फद्दू समझ दी मन तो वह सिर्फ नशा की दवाई थी थोड़ी ही, तारा शरीर ना राहत हो जाए। और कुछ कौन था? और कुछ ना था। ये तेरे समझ माएगी हो और मैं तेरे समझ माएगी हो, अपने जो प्रिय मित्र दर्शक से उन्होंने समझाई दूँ तो कह तो समझा दूँ मेरे समझ में आएगी। राम राम दोस्तों, यो नाटक हमने जो बना है ना सास बहू की जो लड़ाई हो ना इसका कोई इलाज कौन, इसका इलाज ढूंढा गया। वीडियो तो हमने पूरी देख ली कि जोड़ा भी किसी घर में जा लो नुकारा सासू तो बोले चून की बुरी सच्चाई है, लेकिन अगर किसी सासू का क्या हमारे समाज में सब कया बात समझ में आ जाए ना, अब तब मरना है ना तो कोई किसी तक लड़ाई मचाओगा ना रिश्वत खोरी रहेगी और ना भाई भाई ना के लिए बैर रहेगा। मैं एक तरफा जिस तरह चल रहा है ना बोले मरना ऐसे बीमारी यारी है, इसी तरह हरेक आदमी से प्यार करेगा ये हमारी गारंटी है, बिल्कुल सफेद कागज पर हम लिख के दे सकते हैं। और बाकी भाई फिर वही बात दोबारा दोहराने की कोशिश करेंगे, कोशिश ठीक है। बाकी जय हरियाणा जय हरियाणा।